9000 परिवार के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री जी का कहना है मध्य प्रदेश के पेट में मरोड़ होती है जब आपकी नियुक्ति मिलती है, क्या कहा है उनको वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के लगभग 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टॉप रैंक 1 है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, टॉप 1545 पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी हमारा पड़ोसी है और उसने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के विरोध प्रदर्शन के बाद उसको वापस ले लिया। इसके बाद जो है यूपी एआरओ और आरओ पदों पर जो भर्ती हो रही थी उसको वापस ले लिया। ऐसे में कई बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश क्यों पीछा रह गया और राजस्थान उत्तर प्रदेश कैसे आगे निकल गए। प्यारे बच्चों, सारा खेल सरकार का होता है। अगर हम सबसे पहले राजस्थान को पकड़े तो राजस्थान को आपको पता होगा इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो वर्तमान में बीजेपी सरकार है। सरकार परिवर्तन का फर्क पड़ता है। हम भी ये आशा लगाए बैठे थे कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से पटवारी भर्ती की जांच पर पारदर्शिता के साथ काम होगा और जो गुनहगार हुए हैं यदि हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सरकार वही की वही है तो ऐसे में कोई भी सरकार अपनी सरकार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये वर्तमान सीएम भी नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको पता है किस तरह से सीएम जो है बदले गए हैं और किस तरह से उनको ताशपोशी हुई है। कई बार मेरे से बच्चा पूछता है कि सर मोहन यादव को आप मनमोहन यादव क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे रिमोट से चलते थे और ये भी रिमोट वाले मुख्यमंत्री ही हैं। यहाँ से जहाँ से आदेश आएगा वो वैसा ही करेंगे क्योंकि इनको किस तरह से आपको पता होगा किस तरह से बना, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह गया। तो पहला कारण है कि सत्ता परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया और उत्तर प्रदेश में तो इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी मुट्ठी भर लोग थे, अगर आप ध्यान से देखें तो केवल एक ग्राउंड बस में लोग थे, जबकि मध्य प्रदेश में दोनों ही बार चाहे 13 तारीख हो या उसके बाद जो अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले दो हफ्ते पहले जो आंदोलन किया था, हर एक जिले में बराबर आंदोलन हुआ है और प्लस उससे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा के आसपास इंदौर और भोपाल में प्रदर्शन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पटवारी में जो भी भर्ती हुई हैं उन पर न्याय नहीं होगा, आज नहीं तो कल न्याय तो होगा, क्योंकि जब उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जब उनसे काम लिया जाएगा तो उनको ये जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा कि क्यों फेयर सिलेक्शन हुए थे या नकल से, क्योंकि ये सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो आप इतना निराश मत होइए, गिरते हैं सह सवारे मैदान जंग में वो क्या करेंगे जो घर से नहीं निकले। जितने लोग गए हैं वो सफल हैं और मध्य प्रदेश का जो युवा है वो सबसे जागरूक है और सबसे ज्यादा संख्या में गया था। अकेले सागर में करीबन 5,000 के आसपास बच्चे गए थे। तो आप कभी इस तरह की बातों से, बस थोड़े समय की बस खेल है, समय समय की बात है, ठीक है, सबका समय बदलता है। आज उनका समय है, न्याय तो मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है न्याय मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई करती रहिए। कुछ दिन पहले जब हम ज्ञापन देने गए थे सागर के कलेक्टर सर को तो उन्होंने यही कहा था कि पढ़ाई करते रहिए, ये भी ज़रूरी है। अधिकारी भी मानते हैं ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहिए, न्याय आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और किसके पेट में मरोड़ थी, कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले एक अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिलकर के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है। समय पूछा जाएगा क्योंकि कोर्ट किसी की नहीं सुनता। भर्ती हो गई अच्छी बात है, लेकिन आप कभी ऐसे उदास मत होइए कि हम कोई आंदोलन हारे हैं या हमारी संख्या बल में कमी थी या हमारे कोई प्रयासों में कमी थी। सरकार की मंशा में कमी थी, सरकार ने साथ नहीं दिया और निश्चित रूप से जब आप कहीं सो रहे होंगे तो कोई ना कोई तो जग रहा होगा और कोई ना कोई काम कर रहा है। आप बस पढ़ाई में लगिए, बाकी राम जी जाने।
पुनः 9000 सब्सक्राइबर के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।